एक तरफ मनीष गुप्ता की मौत को लेकर पुलिस सवालों में है, तो वहीं सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आश्वासन दिया, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। सीएम योगी से मुलाकात में क्या बात हुई, इसको लेकर एबीपी गंगा ने मृतक की पत्नी से हर सवाल पर बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मीनाक्षी गुप्ता बार बार कह रही थी और मीनाक्षी गुप्ता की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो गई है। क्या बातचीत की है और किस तरीके के आश्वासन मिले हैं मीनाक्षी जी को, उनसे बात करते हैं। मीनाक्षी जी, किस तरह से आप लोगों ने अपनी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा? जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातें रखनी प्रारंभ करी और शुरुआती दौर से स्टार्ट किया कि जैसे कि पापा और हम लोग के ऊपर जो हमारा आमदनी का स्रोत था वो बंद हो गया था, तो एक सरकारी नौकरी की बहुत ज़रूरत थी जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ, जो सामान्य जीवन में व्यतीत कर पाऊँ। तो मैंने पहली वो बात कही, उन्होंने उस पर तुरंत अमल करते मुझे KDA में नौकरी देने के लिए कहा। दूसरा मेरे से अविराज को लेकर था कि उसका फ्यूचर का कैसे क्या मैं सेटअप करूँगी, तो उसके लिए मुझे कुछ धनराशि की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए आप अभी ले लीजिए, आगे का प्रोसेस मैं बाद में आपको कर दूंगा, जो भी होगा देख लूँगा। 50 लाख इतना क्लियर मैंने नहीं पूछा, वो जो करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे, जब इतना करा है तो आगे भी सही करेंगे। सेकेंडली, मुझे सबसे अच्छा उनका पार्ट जो लगा वो ये था कि उन्होंने अपने मन से एक मुखिया की तरह मेरे बिना कहे ये डिसीजन लिया कि कानपुर में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और एक स्पेशल टीम भी नियुक्त करी जाएगी इस केस की जांच करने के लिए, ताकि इसमें कोई भी व्यवधान ना आए और सही निर्णय निकल के आए और सच्चाई सामने आए और जो अपराधी होंगे उनको सजा भी मिलेगी। और निकल करके आई थी, आपने तहरीर में कहा था कि तहरीर में 6 लोग के नाम आपने दिए थे, लेकिन नेम्ड जो किए गए वो 3 ही किए गए, 3 लोगों के नाम हटा दिए गए, इस विषय पे भी कोई चर्चा हुई? थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई उस टाइम, मुझे ये पॉइंट याद नहीं आया, पर मुझे पूरा आश्वासन है मैं अगर यहाँ से भी अगर उन तक ये बात पहुँचाऊँगी तो वो मेरी बात अवश्य सुनेंगे कि ये पॉइंट मैं आपसे कहना भूल गई थी। उन्हें क्या CBI की मांग भी की या कुछ चर्चा मुख्यमंत्री ने आपसे पूछा या कहा? मैंने ये अपना एक प्रस्ताव उनके आगे रखा था कि मैं CBI की मांग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखपुर में एक दुखद घटना घटी, हमने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी ही होता है। ये वही लोग हैं जो आज भड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में है और मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटी हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, पर मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। इधर व्यापारी मनीष गुप्ता मौत मामले में ADG जोन गोरखपुर अखिल कुमार जांच के लिए होटल पहुंचे, यहां अभी भी साफ सफाई का काम चल रहा है। इस दौरान ADG के सामने भी एक युवक की दीवारों को साफ करता हुआ दिखाई दिया। वहीं ADG का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नहीं, मेरी तरफ से SSP ने क्राइम ब्रांच को टीम दे दी गई है और हमने यही कहा है कि इसको थोड़ा और सुदृढ़ करें, एक SIT टाइप का बनाएं, एक विवेचक से नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल जगह जाना होगा, कुछ भी वादी पक्ष कानपुर रहता है, एक कुछ हरियाणा के लोग आए थे, सभी लोगों को बयान लेने पड़ेंगे और इसमें त्वरित कार्रवाई करनी है, इसलिए एक बृहद टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं SIT के रूप में लोकल, जो इसमें त्वरित रूप से विवेचना करें। देखिए, विवेचना ये विवेचकों का निर्णय है कि कब तक वो साक्ष्य संकलन करें और मत पर पहुँचे, इसमें डॉक्टर्स के भी बयान लिया जाए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि क्या वो चोट किन परिस्थितियों में कैसे कैसे आ सकती है और जो साक्ष्य उनको संकलित करें। मेरी तरफ से निर्देश है कि जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि आरोप पुलिस पे है